दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप 2020 क्वालिफायर, जिसमें मैच होने वाला है आयरलैंड वुमन वर्सेस युगांडा वुमन का, जो कि एम्स्टरडम में 3:30 बजे कल खेला जाएगा। सो, इस मैच की बात की जाए तो देखिए, आयरलैंड दोनों में से दो मैच जीत चुका है और युगांडा अपना पिछला मैच जीत चुका है, यानी युगांडा दो में से एक जीत चुका है और आयरलैंड दो में से दो विन कर चुका है। सो, देखिए कल का मैच जो है, युगांडा वुमन बहुत ही वीक टीम है एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड वुमन। सो, अगर युगांडा को पहली बैटिंग मिलती है सो आयरलैंड के बॉलर्स को चांस रहेगा कि इनको जल्दी ऑल आउट करे एम्स्टरडम में, जहाँ पे मैच होने वाला है कल। सो, वहाँ पे जो रन्स बनाया है युगांडा ने पिछले मैचेस की बात की जाए तो युगांडा की 80 से 90 रन बनाया है। सो, यानी 80 से 90 उनका एवरेज स्कोर है। सो, अगर फर्स्ट बैटिंग करती है युगांडा तो आयरलैंड वुमन के बॉलर्स को बहुत बड़ा चांस रहेगा कि उनको जल्द से जल्दी विकेट ले सके, और अगर फर्स्ट बैटिंग मिलती है आयरलैंड वुमन को सो वो भी बड़ा स्कोर बना सकते हैं, बड़ा टारगेट दे सकते हैं युगांडा को चेस करने के लिए। सो, क्या रहेंगी टीम की कॉम्बिनेशन, और किसको वाइस कैप्टन कैप्टन बनाना है और क्या आपके पास चॉइसेस रहती है, सो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपके पास विकेट कीपर में दो चॉइसेस है, वहाँ पे दोनों चॉइसेस सेम ही पॉइंट लेते हैं लगभग, लेकिन जो अविनो है यहाँ पे युगांडा की तरफ से, सो इनको ज़्यादा चांस मिलेगा क्योंकि वॉल्ड्रन जो है सो थोड़ा डाउन द ऑर्डर आती है, सो इनको बैटिंग मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। सो आप इनके साथ, अविनो के साथ आप इजीली जा सकते हो। उसके बाद बैटिंग की बात की जाए तो गैबी लेविस, क्लेयर शिलिंगटन एंड सिसिली जॉयस को मैंने लिया है, क्योंकि देखिए आयरलैंड की फर्स्ट बैटिंग आती है तो गैबिलिस बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, उसके बाद क्लेयर शिलिंगटन बहुत बढ़िया फॉर्म में है ओपनिंग करते हैं, उसके बाद सिसिली जॉयस भी अच्छी फॉर्म में है जो कि ओपनिंग करते हैं। सो, ये तीन बैट्समैन मैंने रखे, आपके पास चॉइस है एंटोनो और नजीमा, उसके बाद शोना कोनाक, लेकिन देखिए अगर फर्स्ट बैटिंग युगांडा की आती है तो क्लेयर शिलिंगटन और सिसिली जॉयस मैच ख़त्म कर सकते हैं, उसके बाद अगर चांस भी मिलता है एक विकेट जाने के बाद तो गैबी लेविस आके रन बना सकती है, और गैबी लेविस दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस देती है, बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है। देखिए इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अच्छा परफॉर्म करने की उन्हें बहुत बड़ी काबिलियत है। सो, वो वन डाउन में खेलती है, आपके पास तीन बैट्समैन बहुत ही अच्छे हैं जो कि युगांडा अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो उनको ही चांस मिलेगा तीनों को पहले, और अगर फर्स्ट बैटिंग आयरलैंड की भी आती है तो तीनों स्कोर कर सकते हैं अच्छा। उसके बाद आयरलैंड ऑलराउंडर की बात करें तो इसाबेला जॉयस, कैंडरू एंड डेलनी अपने पास है, यहाँ पे आपके पास अच्छे ऑप्शंस है, नाकी सुई और किम गर्थ को आप ले सकते हो और मूसा माली को भी आप ले सकते हो, सो आपके पास तीन ऑप्शंस है। लेकिन लॉरा डेलनी देखिए, वन डाउन टू डाउन आती है, उसके बाद इसाबेला जॉयस भी बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, एक मैच के पहले उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, देखिए यहाँ पे 37 पॉइंट्स लिए थे, सो बहुत अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बन सकते हैं। उसके बाद कैंडिरू देखिए, यहाँ पे युगांडा की तरफ से बैटिंग बॉलिंग में परफॉर्मेंस देते हैं, उनके भी पॉइंट्स आप देख लीजिए, 33 पॉइंट्स लिए थे लास्ट मैच में, ओके। और लॉरा डेलनी भी उनकी कैप्टन है आयरलैंड वुमन की, सो वो भी अच्छा बैटिंग बॉलिंग में परफॉर्मेंस देती है। सो, इसके अलावा आप नाकी सुई, मूसा माली, किम गर्थ को भी रख सकते हो टीम में। सर, बॉलिंग की बात की जाए तो अवेको रिचर्डसन और नमुगोई के कैरल नमुगोई को और लुसा ओरेली को मैंने रखा है, यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस है, मेटाकल्फ अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उन्होंने अब तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, आप उनके पॉइंट देख सकते हो, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलर है, आप इजीली उनको अपने टीम में ले सकते हो। सो, मेटकाल एपियो और नामपिना को आप अपनी टीम में रख सकते हो, मैंने अपनी टीम में अवेको रिचर्डसन एंड ओरेली को रखा हुआ है। सो, देखिए यहाँ पे आयरलैंड की टीमें कोई चेंजेस कर सकती है थोड़े बहुत, सो थोड़ा सेफ टीम के साथ भी आप जा सकते हो, क्योंकि जो युगांडा टीम है, युगांडा वुमन की जो टीम है बहुत ही ज़्यादा वीक टीम है, सो कोई भी चेंजेस हो सकता है या ना भी हो, लेकिन आप इनके साथ जा सकते हो, एपिया के साथ जा सकते हो, नामबिना के साथ जा सकते हो, आपके पास तीन ऑप्शन बचते हैं। सो, अगर युगांडा को फर्स्ट बैटिंग मिलती है सो आपके पास रिचर्डसन, मेटकाल्फ और ओरेल, ये तीन बॉलर रहेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर आयरलैंड के लेने हैं,
सो मैंने दो बॉलर आयरलैंड के लिए और यहाँ पे एक बॉलर अवेको को लिए। ऑलराउंडर में भी दो बॉलर अपने पास आयरलैंड के हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने दो बॉलर ही आयरलैंड के लिए, वरना तीनों के तीनों में आयरलैंड के लिए था। सो चलिए देखते हैं। सॉरी एक प्लेयर बचा है मेरा। ओके सो देखिए यहाँ पे मैं इजीली इनको रख सकता हूँ युगांडा की तरफ से, मेरे पास एक या नमोगिनी को रख सकते हैं कैरल को, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। देखिए यहाँ पे 27 पॉइंट पिछले मैच में लिए थे 27 पॉइंट, सो उनको भी आप टीम में रख सकते हो। तो ये मेरी टीम हो गई परफेक्ट, चार बॉलर यहाँ पे, दो बॉलर मेरे युगांडा वुमेन की तरफ से, दो बॉलर आयरलैंड की तरफ से। सो प्रीव्यू में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैप्टन मैंने, आप कैप्टन श्लिंगटन को बनाया, वाइस कैप्टन जॉयस को बना सकती है, कैंडिडेट को भी बना सकती है, क्योंकि देखिए अगर कम रन बनाती है युगांडा वुमेन की टीम, सो क्लेयर श्लिंगटन बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे दोनों मैच में बहुत ही अच्छे पॉइंट स्कोर किए, सो ऊपर के दो बैट्समैन ही मैच खत्म कर लेंगे, इसलिए मैंने श्लिंगटन को कैप्टन बनाया। वाइस कैप्टन कैंडिडेट को रखा, आप ईसा बेला जॉयस को भी रख सकते हो, लॉरा डिनी। या देखिए युगांडा की टीम वीक है, सो आप वाइस कैप्टन इनको भी, लूसी को, रिली को भी रख सकते हो, बहुत ही अच्छी बॉलर है। सो ये थे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे फिलहाल जॉयस को भी रख सकते हो, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। सो मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन इनको बनाया, उसका प्रीव्यू देख लेते। तो ये था प्रीव्यू। यहाँ पे अगर आपको चेंजेस करने हो तो एक आप आयरलैंड की बैट्समैन, जो बैट्समैन या ऑलराउंडर कोई भी हटा के एक युगांडा वुमेन की प्लेयर खिला सकते हो बैटिंग में या ऑलराउंडर में। ओके सो ये थी मेरी टीम और ये थी आज की टीम की बात, जो कि आयरलैंड वुमेन और युगांडा वुमेन के मैच कल होने वाला है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दो। सो जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ रोज तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।